अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ फ्राइडे स्पेशल चिकन पुलाव की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक किलो चिकन लिया है मैंने और इसकी जो लेग पीस है ना उस पर कट्स लगा लिया है ताकि अंदर तक अच्छा ये जूसी बने। और मीडियम साइज़ के इसके पीस है, इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने। और इसके अंदर डाल देंगे एक टीस्पून के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इसके अंदर मैंने एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून दही, एकदम गाढ़ा दही है ये, इसे हम मैरिनेट करने वाले हैं। और इसके अंदर ये मैंने आधा नींबू का रस डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चिकन पे लगा देंगे, मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए रख दीजिए फ्रिज में, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आधे घंटे के लिए तो आप रहने दीजिए, इसे मिक्स करके रख दीजिए। उसके बाद आप दूसरी तैयारी करोगे पुलाव बनाने की, जब तक कि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, जब तक कि मैं दूसरा मसाला वगैरह निकाल रही थी तब तक अच्छे से मैरिनेट हो गया। आप देखिए, यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 10 से 15 मैंने लिया है लहसुन की कली, और ये मैंने लिया है हरे धनिए के जो डंठल होते हैं ना वो लिया, एकदम कॉली डंठल होते हैं ना उसका इस्तेमाल कीजिए। और ये मैंने 6 से 7 मैंने पुदीने के पत्ते लिए, ज़्यादा नहीं लेना है, बस 6 से 7। और ये हो सके तो हरे धनिए के जो डंठल है वो ज़्यादा आप लीजिए। और 7 से 8 हरी मिर्ची लिया है, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा, और 5 से 6 हरी इलायची, और 4 से 5 लिया है लौंग। इन सारे मसालों को हमें पीस के इसका पेस्ट बनाना है। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे सौंफ। में सौंफ डालना भूल गई थी इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ, और इसे डाल के मैंने पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया। देखिए, ये पेस्ट तैयार हो चुका है, मसाला हमारा रेडी है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ना 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ना इस तरीके से पतला पतला लंबाई में कट कर लिया है। 2 तेज़पत्ता लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरा, अगर आपके पास शाह ज़ीरा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1/2 टीस्पून लिया है काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 लिया है बादियान फूल। इन सारी चीज़ों को हमें बघार के लिए इस्तेमाल करना है। 1 कढ़ाई में मैंने 1/2 कटोरी तेल गरम कर लिया है। उस जैसे ही तेल गरम हो जाए इसके अंदर हम ये सारे जो खड़े गरम मसाले मैंने अभी आपको बताया ना ये डाल देंगे, और इसे हल्का सा क्रैकल कर लेंगे ताकि जो इसकी खुशबू है ना पूरी तेल के अंदर आ जाए। इससे बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। अब देखिए, जैसे वो क्रैकल हो गया इसके अंदर मैंने कटी हुई प्याज डाल दिया। अब प्याज डाल के हमें प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करना है, एकदम डार्क गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन हो जाए और उतना हम इसे पका लेंगे। तो चलिए देखिए, प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन हो गई, देख सकते हो आप लोग। अब इसके अंदर है ना हम क्या करेंगे, जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था ना उसे डाल दीजिए। अब ये चिकन डाल के हमें हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनना है, उस वक्त तक जब तक के चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता उस वक्त तक इसे हम भूनेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो चिकन के जूसेस है ना वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो अंदर ही रहेंगे, और जिसकी वजह से ना चिकन हमारे एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अगर आपने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया, लो कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, चिकन अपना पानी पूरा छोड़ देगा। तो देखिए, मैंने 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से भुना है, चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर जो मसाला हमने रेडी किया था ना वो डाल देंगे। अब मसाले के साथ हमें चिकन को अच्छे से भुनना है, ये मसाला ऐड कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे ही मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे इस वक्त तक भूनेंगे हम जब तक के मसाले की कच्चापन दूर नहीं हो जाता और एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती, मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता, उस वक्त तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालिएगा। देखिए, अब इसके अंदर ना मैं क्या करूँगी ना, 1 टेबल स्पून के करीब डाल दूँगी धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 टेबल स्पून काफ़ी है। ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे जितना अच्छा हम भुनेंगे ना चिकन, उतना ही जूसी और चिकन के अंदर उतने ही मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर है ना मैंने ना 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और इसे लंबाई में कट कर लिया है। 2 से 3 आलू ले लीजिए, उसे कट करके ना मैंने फ्राई करके रख लिया है। और ये एक प्याज का बिलिस्ता रेडी कर लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया कट कर लिया है और थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें लिया है, उसे मैंने बीच में से चीरा लगा लिया है। अब यहाँ देखिए, आप लोग देख सकते हो चिकन हमारा
अच्छे से भुन रहा है, मैंने इसमें क्या करा ना, थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मसाला नीचे लग ना जाए, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डाल के भी इसे मैं अच्छे से भूनूंगी उस वक्त तक जब तक के सारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता। 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें इसे अच्छी तरीके से भुनने में। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जो मैंने हरा धनिया कट करके रखा है ना वो उसमें डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, बाकी डाल देंगे। पुदीने के पत्ते भी थोड़े डाल देंगे और थोड़े से मैंने बचा लिए। अब इन सारी चीज़ों को डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मैं कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर दूंगी। अब हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक के सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते, उस वक्त तक इसे भूनेंगे। स्टार्ट से लेके अब तक के मैंने फ्लेम को हाई पे ही रखा है, बिल्कुल भी स्लो नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे चिकन ने बिल्कुल भी पानी रिलीज नहीं किया है। देखिए ये अच्छे से भून रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये 3 गिलास लिया है कोलम राइस, इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसके बजाय आप बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे हमारे पुलाव और भी मज़ेदार बनेंगे। अब देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इस वक्त क्या करेंगे ना, इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू। आलू को तल के डालने से ना, पुलाव या बिरयानी में अगर आप आलू को तल के डालते हो ना, तो उससे बहुत ही टेस्ट है ना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसे डाल दीजिए। और इसे भी डालने के बाद हम आलूओं को चिकन और मसाले के साथ 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि आलूओं में भी मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखिए इसे भी मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भूना है, और बिल्कुल भी हमारा मसाला नीचे लगा नहीं है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर भीगे हुए चावल हम डाल देंगे। चावलों का पानी मैंने पहले निकाल लिया, उसके बाद मैंने जिसमें चावल ऐड किया है। अब इसे एकदम हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, बिल्कुल भी तेज़ हाथों से नहीं करना, वरना हमारे चावल टूट जाएंगे क्योंकि हमने चावलों को भिगो के रखा था। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 3 गिलास चावल लिया है, तो मैंने इसके अंदर 5 गिलास के करीब पानी डाला है। या तो आप इतना पानी डालिए कि जो हमारा चिकन है और जो चावल है ना वो डूब जाए, बस यानी चावलों के आधा इंच ऊपर तक पानी आ जाए, इतना ही पानी हमें इसमें डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर आपने चावलों को भिगो के नहीं रखा है तो आपने जितना चावल लिया है ना उतना ही पानी लीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने एकदम हल्के हाथों से। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक, क्योंकि हमने पहले मैरिनेशन में थोड़ा नमक डाला था, तो चावलों के लिए नमक डालना है, तो इसलिए आप टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट करके इसमें नमक आप एडजस्ट कर लीजिए। नमक डालने के बाद इसे मैंने फिर से एकदम हल्के हाथों से मिक्स किया है, और इसे ढक देंगे, ढक के इसे एक उबाल आने तक पकने देंगे। जब तक कि इसमें उबाल नहीं आता, इसमें इसे हम पकने देंगे। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डालने भूल गई थी, तो मैंने इसे खोला है, और इसके अंदर जो मैंने हरी मिर्चों को कट करके रखा था ना वो इसमें ऐड कर देंगे, और मैंने इसे फिर से ढक दिया है। इसको उबाल आने का हम इंतज़ार करते हैं। तो चलिए देखिए चावलों में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है, देख सकते हो आप लोग। फिर से मैं इसे एक बार नीचे से चला लूँगी ताकि हमारे चावल बिल्कुल भी नीचे लगे नहीं। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे पूरे घर में ये पुलाव की खुशबू फैली हुई थी। इतना मज़ेदार और इतना खुशबूदार ये पुलाव बनके रेडी होता है ना, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एंड में मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला। तो ये आप लोग ट्राई करके आप लोग ज़रूर मुझे फीडबैक अपना दीजिएगा कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए फ्राइडे का दिन होता है, जुम्मा का दिन, जब नमाज वगैरह से फारिग होके बच्चे या हस्बैंड घर आते हैं, और जब उनके सामने हम ये इतना मज़ेदार सा खाना सर्व करते हैं ना, तो वो भी खुश हो जाते हैं और उनको देख के हम भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग इसे किसी भी फंक्शन वगैरह में भी बना सकते हो, पार्टीज़ में बना सकते हो, या अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं तो भी आप इसे बना सकते हो। अब देखिए चावलों का पानी एकदम से सूख गया है, मैंने गैस का फ्लेम एकदम धीमा करके इसे ढक दिया है। 5 मिनट बाद मैंने इसे खोला है, और इसे हल्का सा मैंने पहले चला लिया था, और इसके ऊपर है ना थोड़ा सा अभी डाल देंगे हम देसी घी। तो सिर्फ ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 टीस्पून काफ़ी है। ये डाल के इससे क्या होगा ना, हमारे चावल है ना एकदम खुले खुले बनेंगे। ये डाल के मैंने ढक दिया है, और ढक के इसे दम पे रख दिया है। अब चलिए देखिए 5 मिनट बाद मैंने फिर से इसे खोला है,
अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने जो हरा धनिया, पुदीना और बिलिस्ता बना के रखा है ना, वो इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। तो थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना आप इस तरीके से डाल दीजिए, इससे हमारे पुलाव में बहुत बढ़िया सी खुशबू भी आ जाएगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा बिलिस्ता भी इसके ऊपर डाल दिया है और फिर से मैंने इसे ढक दिया है 2 मिनट के लिए एकदम धीमी आँच पर, जब तक के इसमें से एकदम अच्छे से स्टीम नहीं आने लगती उस वक्त तक मैंने इसे पकने दिया है। और 5 मिनट बाद मैंने इसे खोला है और इतना मज़ेदार सा हमारा ये चिकन पुलाव रेडी हुआ है, खुशबूदार सा चिकन पुलाव। देखिए, देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना टेस्टी, कितना यम्मी बना है। आप लोग इसे ट्राई करिएगा ज़रूर, ये बहुत ही अच्छा बनता है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे बताइए आप लोगों को अगली रेसिपी कौन सी देखनी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की फरमाइश पूरी करने की। ऐसे तो मेरे चैनल पे बहुत से पुलाव और बिरयानी की रेसिपी अपलोड है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। चिकन पुलाव, मटन पुलाव, बहुत सी रेसिपीज़ है मेरे चैनल पे, आप लोग वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए कितने मज़ेदार सा, झटपट सा ये चिकन पुलाव बन के रेडी हो चुका है। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर अच्छी सी रेसिपी के साथ आप लोगों के लिए हाजिर होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।